प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इस दौरान 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और नए चरण के लिए प्रदेश को वैक्सीनेशन की पहली आपूर्ति हो चुकी है और हरियाणा को 66 लाख वैक्सीन आवंटित की गई है। और बता दें कि अलग अलग फेज में कोरोना की ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए अलग अलग जिलों में वैक्सीन को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में जल्द ही वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू होने जा रहा है और इस बीच में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और नए चरण के लिए हरियाणा को वैक्सीन की पहली आपूर्ति हो चुकी है। हरियाणा को 66 लाख के करीब वैक्सीन आवंटित की गई है और अलग अलग फेज में कोरोना की ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए वैक्सीन को अलग अलग जिलों में भेजा जा चुका है। बता दें कि हरियाणा में जल्द ही वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो जाएगा। बता दें कि अन्य राज्यों में जहां वैक्सीनेशन को लेकर मना कर दिया गया था, तो वहीं हरियाणा में वैक्सीनेशन का ये नया चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था, तो वहीं 18 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके बाद अब हरियाणा में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए हरियाणा को 66 लाख के करीब वैक्सीन आवंटित हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हरियाणा से आ रही है।